इन दिस वे वाइन यार्ड्स थी, वहां पर जो घोड़ा था, द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन यार्ड्स बिफोर आरम फेल डाउन, इससे पहले कि आरम गिरते उससे पहले ही जो घोड़ा था उन्होंने 7 वाइन यार्ड के ऊपर से छलांग लगा चुकी थी, राइट और उसके बाद हुआ, उसके बाद भी वो रुका नहीं घोड़ा, ही कंटिन्यूड रनिंग एंड फाइनली आरम क्या हुए, गिर गया, आरम फॉल डाउन। वहां से मोराद दौड़ते हुए आते हैं, ही जस्ट केम रनिंग एंड ही शाउटेड ऑन आरम, आई एम नॉट वरीड ऑल अबाउट यू, यू नो आई एम वरीड अबाउट आवर हॉर्स, कि हमारा घोड़ा कहाँ गया, बिकॉज नाउ द होल वर्ल्ड वॉज अवेक, और हमें जल्दी घोड़ा ढूंढना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड इट क्विकली वेयर इट इज़, डू वन थिंग, मोराद ने कहा डू वन थिंग, तुम यहाँ सर्च करो, यू सर्च द हॉर्स दिस वे एंड आई विल सर्च द हॉर्स दैट वे। अब कौन किस तरफ गया, ठीक है, नाउ आरम कंटिन्यूड हिज सर्चिंग डाउन टूवर्ड्स द रोड, और मोराद कहाँ चले गए, मोराद वेंट टूवर्ड्स द फील्ड्स टू फाइंड द हॉर्स, आफ्टर हाफ एन आवर ही फाउंड द हॉर्स इन अ गुड पोजिशन, ही फाउंड द हॉर्स नियर द इरीगेशन डिच, और उसके पहले उन्होंने एक और बात कही थी आरम से कि इफ यू फाइंड द हॉर्स, ठीक है, बी काइंड विथ इट, क्योंकि तुमको घोड़े ने गिरा दिया है, सो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मारेंगे, ट्राई टू बी काइंड विथ इट एंड आई एम नियर बाई यू, टेल मी वेयर द हॉर्स एंड यू आर। फाइनली कौन उसको खोज लेता है, जो फाइनली जो है सर्च कंप्लीट होती है, मोराद की आंसर, मोराद वॉज एबल टू फाइंड द हॉर्स नियर बाय द इरीगेशन डिचेस, राइट, ही फाउंड इट देयर, नाउ ही टुक हिम नियर द आरम एंड ask him to jump on and sit behind him because he added on the one more thing, ki dekho now the whole world is awake now, before we caught let's hide this horse somewhere else, to yahan pe aram question karte hain ki tum chupane ki baat kar rahe ho, where we will hide him, hum ise kahan par हाइड करेंगे, व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, सो वो कहते हैं हम इस वक्त किसी अच्छी जगह पर छुपा देंगे। एट दैट टाइम आरम वॉज वेरी श्योर कि मोराद उस घोड़े को कहीं ना कहीं छुपा देंगे एंड ही विल नेवर रिटर्न इट टू द पर्सन टुमारो ओनली, कल या परसों में तुम वो उस घोड़े को रिटर्न नहीं करेंगे। ही आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मोराद, मोराद विल यू प्लीज टेल मी कि ये जो घोड़ा है फ्रॉम व्हेन यू आर राइडिंग दिस हॉर्स, क्योंकि अब तक उसने ये फाइंड आउट कर लिया था कि जो हॉर्स है उसको राइड बहुत अच्छी तरीके से मोराद कर रहा था, सो ही गेस्ड कि ये इतनी फिनिशिंग एक दिन में तो नहीं आई होगी, कम से कम कुछ समय तो हुआ है ये मोराद के पास ये घोड़ा पाया जा रहा है। पहले वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये घोड़ा तुमने कब चोरी किया, उस पर मोराद अपनी ब्रो को ऊपर करते हुए कहते हैं हु टोल्ड यू दैट आई स्टोल दिस हॉर्स, फिर वो कहते हैं ओके लीव इट, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क दिस कि तुम कब से इस घोड़े पर राइड कर रहे हो। इन दैट सेंस मोराद कहते हैं फ्रॉम दिस मॉर्निंग एज यू कैन सी You was also with us, right? हाँ, so इस पर आरम कहते हैं Are you serious? क्या तुम सच कह रहे हो? तो उस पर मोराद कहते हैं Not of course. ये घोड़ा मेरे पास last 1 month से है, लेकिन if we caught by someone else or someone found up with this horse, found us विद दिस हॉर्स, तो हमें एक ही आंसर देना है कि हमारे पास ये घोड़ा आज सुबह से है। डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू अंडरस्टैंड थिंग, इस तरीके से मोराद ने आरम को समझाने की कोशिश की कि अगर वो किसी से पकड़े जाते हैं, कोई जान पहचान का व्यक्ति उनको मिल जाता है और कोई पूछता है कि ये घोड़ा कहाँ से आया, बिकॉज दे बिलोंग टू गैरोगैलियन
family, the tribe, and the tribe was so poor. The people belongs to that tribe were so poor. They are not able to have a horse. This beautiful horse, it is not possible at all for all of them. So, इसलिए जब अगर हम कभी गलती से पकड़े भी जाते हैं अभी इस समय, तो हमें एक ही आंसर देना है. एंड द डिफरेंस मस्ट बी नॉट देयर इन बिटवीन आर आंसर्स. हमारे आंसर्स में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए. आंसर शुड बी व्हाट? आंसर शुड बी दैट कि ये जो घोड़ा है वो आज हमारे पास सुबह 4 बजे से राइट, और हम इस पर 4 बजे से सवारी कर रहे हैं. उसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना है. और क्योंकि मोराद ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अरम को भी बहुत डिज़ायर थी. अरम वॉज ऑल्सो लॉन्गिंग अबाउट राइडिंग अ हॉर्स. दैट वाई क्या हुआ था, उन्होंने इस घोड़े को आज सुबह 4 बजे ही अरम के पास लेके आए थे, जस्ट ओनली फॉर दिस, बिकॉज ही नोज दैट उसकी कज़िन को भी बहुत इंटरेस्ट है, उसकी भी डिज़ायर है कि एक हॉर्स को राइड करे जस्ट लाइक हिम, जैसे कि मोराद को थी. इसलिए उन्होंने ये चीज़ उनके साथ शेयर की थी. कौन सी चीज़? घोड़े वाली बात, और घोड़े पर उनको राइड करने का मौका भी दिया. अब आइए देखते हैं कि आगे इस स्टोरी में होता क्या है. जब ये राय मोराद ने किसको दी? अरम को दी कि भाई हमको एक ही तरह का साउंड करना है. ओके, हमको एक ही एक्सप्लेनेशन देना है कि वी वेर राइडिंग दिस हॉर्स सिंस दिस मॉर्निंग. ठीक है, इसके पहले हमारे पास ये हॉर्स नहीं था. ओके, हमको एक ही आंसर देना है. हमारे आंसर्स के भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए. उस पर अरम ने कहा ऑल राइट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, ही वॉक्ड द हॉर्स. वो हॉर्स को ले करके जाते हैं. कहाँ पर लेके जाते हैं? एट द बैरन ऑफ अ डिजर्टेड वाइन यार्ड. और ये वाइन यार्ड किसका था? वंस अपॉन ए टाइम ये वाइन यार्ड एक प्राइड फार्मर का था जिसका नाम था फेलविजियन. अब यहाँ पर ये जो पुराना सा वाइन यार्ड था, एक बैरन सा वाइन यार्ड था, वहाँ पर उस घोड़े को वो लोग क्या करते हैं? बांध देते हैं, रख देते हैं, और उसके बाद वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं. अब वहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि उस वाइन यार्ड में ओट्स और अल्फला के कुछ ग्रासेस थे, है ना. इन दैट वाइन यार्ड अल्फला के ग्रासेस, अल्फला ग्रासेस थे और ओट्स वे देयर इन दैट बैरन वाइन यार्ड. ओके, नाउ अगेन दे वेर मूविंग टूवर्ड्स देयर हाउस. और वो लोग फिर अपने अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं. वेन इन द मिड वे ऑफ देयर पाथ वो एक दूसरे से बात करते हैं. दे टॉक्ड विद ईच अदर, दे डिस्कस फ्यू थिंग्स विद ईच अदर. नाउ व्हाट आर द थिंग्स दे डिस्कस विद ईच अदर? लेट्स नो कि उनके बीच क्या क्या बातें हुई. ओके, मोराद कहते हैं कि यू सॉ ना हाउ फाइनली आई राइड ऑन द हॉर्स, कितने अच्छे से मैंने उस हॉर्स पर राइड किया. यू नो ना आई हैव अ वे विद दैट हॉर्स जस्ट बिकॉज वी हैव अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर. तो वहाँ पर अरब बोलता है व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू वेर शेयरिंग, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच, मुझे बताओगे. तो वहाँ पर मोराद कहते हैं इट्स सिंपल एंड ऑनेस्ट, एक प्यारा सा, सिंपल सा और सच्चा सा अंडरस्टैंडिंग है. उस पर अरम कहते हैं होप, मैं भी सेम होप, आई विल ऑल्सो हैव द सेम वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ द हॉर्स इन फ्यूचर. होप, मैं ये आशा करता हूँ कि मेरी भी सेम अंडरस्टैंडिंग उस घोड़े के साथ हो जाए, बिकॉज जो आज हुआ वैसा दोबारा ना हो. इसलिए वो इस तरीके से अपनी बातें कर रहे थे. और ये कहते हुए वो लोग अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं. नाउ अरम रीच्ड इट होम, और उसके बाद ही हैड हिज हर्टी ब्रेकफास्ट. हर्टी वर्ड जो ये यहाँ पे यूज़ हुआ है बिकॉज आज का जो अरम का दिन था इट वाज ऑसम,
इट वॉज वेरी वेल, इट वॉज सो नाइस. इस वजह से वो अपने ब्रेकफास्ट को बहुत इन्जॉय कर रहा था, बहुत मज़े से वो अपने ब्रेकफास्ट को खा रहा था. आज का उसका ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट था, उसको ऐसा फील हो रहा था, बिकॉज आज का उसका जो डे था वो बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि आज उसका जो ड्रीम था वो कहीं ना कहीं फुलफिल हुआ था. नाउ नेक्स्ट सीन आता है. इस सीन में दिखाया जाता है कि जो अंकल खोसरोव हैं वो जो है अरम के घर पे आते हैं. अंकल खोसरोव केम फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स इन अरम्स हाउस. वो अरम के घर पे आते हैं और उनकी मम्मा जो हैं वो उनको कॉफ़ी और सिगरेट्स देती हैं. ही सैट ऑन द पार्लर. पार्लर इज़ द सिटिंग एरिया. जैसे कि आपके घर में हॉल होते हैं, वहाँ पे सोफ़ाज लगा होता है या चेयर्स लगे होते हैं, जो सिटिंग एरिया है उसे पार्लर कहा जाता है. सो वो जो अंकल खोसरोव है, ही सैट ऑन द सिटिंग एरिया ऑन द चेयर, और वहाँ पर वो अपनी कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं एंड वहाँ पे वो अपने सिगरेट को सिप करते हुए क्या ओल्ड कंट्री के बारे में सोचने लग जाते हैं. ही वॉज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट हिज ओल्ड कंट्री कि पहले हम कहाँ रहते थे, हम कैसे थे, नाउ डेज हम कैसे हैं, वॉट हैपन ड्यूरिंग दीज डेज. इस तरह के कुछ चीज़ों के बारे में ही वॉज़ थिंकिंग अबाउट, है ना. सो ही वॉज़ थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. नाउ द सेकेंड अराइवल came to Aram's house, and the second arrival was John Byron. He is a farmer. He was an Assyrian man. मतलब वो किसी दूसरे देश के आदमी थे, but because of loneliness he learned Armenian. Now Armenian is a language, ठीक है. तो just because of loneliness उन्होंने ये language सीख ली so that he can talk with someone, some people nearby around him. So that's why he learned the language. Now he just came and asked for the same cigarette and coffee. Aram's mother offered him and gave him the same things what he asked for. After taking this, he started crying in telling about the things what he want to share with them. He said ki from 1 month my horse is lost, I don't know where it is. वो कहते हैं कि एक महीने से मेरे सफ़ेद कलर का घोड़ा गुम हो गया है. माई वाइट हॉर्स हैज़ लॉस्ट. मेरा सफ़ेद घोड़ा गुम हो गया है, बट आई डोंट नो वेयर इट इज़. वो कहाँ है मैं नहीं जानता. एंड ही वॉज सो सैड, ही वॉज शेयरिंग हिज सैडनेस. बाई लिसनिंग दिस क्या हुआ, जो अंकल खोसरोव है ही गॉट सो एंग्री. वो कहते हैं वॉट हैपन, what happened if you have lost your horse, is anything harmed to you or your horse, nothing. itna bada desh hum kho chuke hain, we had lost our land and you are thinking only about a horse, what kind of person you are. wo itna kehkar itna naraaz ho gaye, un par zor se chillaye, nothing will happen, nothing can harm it, keep it aside. We have lost our land. हमने हमारा land खो दिया है और अभी भी तुम एक horse के पीछे इतना सोच रहे हो. आइए अब देखते हैं कि आगे इस story में क्या होता है. In this case, again, Uncle Khusro said that it may be all right that you are a city dweller, right? So you can say like this only. City dweller मतलब किसी स्थान पर कुछ समय के लिए रहने आए हुए हैं, right? So you are a city dweller, so you can say about it. On listening all these things, John Myra said, listen, I have lost my horse and now I am having only sari. Sari जो है घोड़े की जो बग्गी होती है या घोड़े की जो गाड़ी होती है उसे हम कहते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख, राइट. सो आई एम ओनली हैविंग सरी एंड विदाउट अ हॉर्स सरी इज नन ऑफ यूज. नाउ व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई डू, आई डोंट इवन नो. आई एम सो वरीड अबाउट इट कि वेयर इज माय हॉर्स. लिसनिंग दिस अगेन, अंकल खोसरोव इरिटेटेड एंड शाउटेड ऑन हिम, पे नो अटेंशन टू इट, everything will be fine, let it be. Again John Byro said, you know,
to come here or to visit you. I have to come 10 miles. I have to walk 10 miles. Do you think how painful it is? By listening this, Uncle Khosrow said, okay, you are having leg, na? So you can do it. It's not a big deal, you know? It's not a big deal. It's okay. Again, now John Byrow said, what? It's not a big deal. Itni dur se aaya, I'm coming from 10 miles, you know? My left leg hurts. Mere left leg mein pain hai. I'm having pain in my left leg. My left leg hurts. Okay, it's okay. Koi baat nahi. Pay no attention to it. Again, this sentence is said by whom? Uncle Khosrow. Now, again he added on, you know, he means John Byrow. Again he added on, you know, the cost of that horse is $60. How much costly it is? By listening this, Uncle Khosrow said, I split on that money. मतलब मैं उस पैसे पे थूकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है. By listening this, John Byrow, the farmer, got so angry and he walked so angrily and slammed the door. And which door? He slammed the screen door. He was going at that time, Aram's mother came to him and he make him understand that he is a gentle person, he is a good person. Don't think too much. वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बुरे नहीं हैं. Just because he loves his motherland and he is homesick. And also she added that he is a big person or big man. That's why sometimes he behave like this. By listening all this, John Byrow only says, and he walked away towards his house. This is all about the discussion between John Byrow and Uncle Khosrow. Now at that time, Aram was there at that moment and he was listening behind the door, each and everything. He rushed towards Morad's house. वो दौड़ के गया कहाँ? मोराद के घर गया. At that time, मोराद was taking care of a bird named Robin. Robin is a kind of species of bird. It is a different kind of species of bird that is having red breast and the color of the bird is brown in color. Okay, he was taking care of the young robin because the young robin was hurted on his wings. Because the young robin was hurted at his wings. So he's trying to treat his wings and he's pampering the little bird and he was talking little things with little bird. As Aram arrived Morad's house, when Morad saw Aram, he asked him, what is it? What is the problem you are having? Why you look so panicked? Tum apne ghabraye hue kyun dikh rahe ho? What is the problem? Then he told the whole story, the whole matter. John Byrow visited his home and what is the discussion between the Uncle Khosrow and the John Byrow. Right? At that time, he said, Morad, will you promise me? Morad was question mark, right? What kind of promise you want? He said that please promise me you will not let him back till I learn how to ride this horse. Tum isko tab tak wapas nahi karoge jab tak main is ghode ko chalana nahi seekh jate. Morad was surprised and he said, you will never learn how to ride a horse because you are very slow. You know, you are timid. Tum darpok ho. Isliye you will never learn. Again he added on. Again Aram added on. Will you please keep it for 1 year? By listening this, Morad jumped on his feet. He leaped on his feet saying, what are you saying? Do you want the member related to the Gharo Glenanian family,
मस्ट स्टील समथिंग और बिहेव लाइक दिस? क्या तुम चाहते हो कि उस ट्राइब से जो कि ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए मशहूर है, उस फैमिली का मेंबर, गारोग्लानियन फैमिली का मेंबर इस तरीके का बिहेव करे या कुछ चोरी करे? नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ही एडेड ऑन. एंड ही ऑल्सो सेड कि नहीं, आई विल रिटर्न इट टू हिज ओनर, और मैं इसको क्या करूँगा, उसके ओनर को पक्का रिटर्न करूँगा. देन एट दैट टाइम वॉट हैपेंड, एट दैट टाइम अरम इंसिस्टेड हिम, प्लीज़ कीप इट एट लीस्ट फॉर 6 months, प्लीज़ कीप इट एट लीस्ट फॉर 6 months. सो ही सेड, why I should keep it at least for 6 months, so that I can write Morad, get little bit ready for it. And he said, okay, we'll see what will going to happen. After the discussion about the horse, about to keeping the horse, the Morad took the bird, took the young bird and threw it so that it can fly. But 2 to 3 times he was not able to fly. But at third time, the young robin flew straight away in the sky. Now this discussion ended up. Now they made a habit that each and every morning early, they wake up early. And what they did, they used to take the horse from that barren vineyard of Fatveji and they took him for a ride. So finally Morad know how to handle the horse, but Aram was always in a way that he was not finding, or he don't know how to handle it, right? What happened to it? When Aram took the horse to ride, always that horse, what it did, that horse leaped on the small trees, grapes vines and grassland and threw him, and after throwing him, the horse ran away. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमेशा जब भी उन्होंने एक हैबिट डाल ली थी कि वो सुबह जल्दी उठते थे और उसी वाइन यार्ड से, फतवेजीन की वाइन यार्ड से वो हॉर्स को लेकर के आते थे और रोज़ राइड कर रहे थे, मतलब दे वर प्रैक्टिसिंग हाउ टू राइड दैट हॉर्स. नाउ मोराद हैज़ फाइंड हिज वे, मोराद को पता चल गया था हाउ टू हैंडल दैट हॉर्स, बट अरम वॉज नॉट able to handle that horse. Aram ke paas wo proper technique hi nahi aa pa rahi thi jisse ki he might be knowing how to handle that horse, right? Just because of it, what happens every day, every day when Aram want to ride it, he sat on the horse, just horse leaped on the small trees. जो क्या होता था, जो हॉर्स है छोटे ट्रीज पर लीप करता था यानी कूदता था, जो है फिर ग्रेप्स के वाइन्स के ऊपर वो कूदता था. एंड ही थ्रू अवे द अरम, वो अरम को क्या करता था, फेंक देता था. एंड आफ्टर थ्रूइंग हिम अवे ही आल्सो रन अवे, वो हॉर्स क्या करता था, उसको अरम को फेंक देता था और वो फिर वापस भाग जाता था, किसी और चला जाता था. सो दिस इज़ द थिंग he always do, this is the thing horse always do. The Aram hope that there will be some day that he will be also knowing the way to handle the horse or to ride properly the horse. In this way, Aram said that we were feeling fresh air on our face and we were enjoying that fresh air and the scenery at the same time, right? So wahan pe jo Morad tha, Morad itna khush ho gaya tha, Morad was that much happy, kyunki as he is called the craziest person of a family, right? So usne kya kiya, usne
इस खुशी में गाना गाना शुरू कर दिया दैट ही इज राइडिंग अ हॉर्स इन अ सुपर स्पीड एंड टुडे हिज ड्रीम केम ट्रू राइट, इसलिए वो गाना गाना स्टार्ट कर दिया. एक्चुअली ही एडेड ऑन, एक्चुअली ही इज नॉट सिंगिंग, ही वॉज रोरली, ही वॉज रोरिंग. रोरिंग मतलब दाड़ना. आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा टीवी पे, उसमें कार्टून नेटवर्क पे, वहाँ पे मैं हूँ जिया, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, जैसे वो गाता है ना फॉर एग्जांपल, उसी टाइप का कुछ वो गाना गा रहा था राइट. सो यहाँ पे जो मोराद था, मोराद स्टार्टेड सिंगिंग राइट, एक्चुअली वाज नॉट सिंगिंग, ही वाज रोरिंग. नाउ अगेन आराम इज टेलिंग अबाउट मोराद कि जैसे हर फैमिली में, हर फैमिली में एक क्रेजी स्ट्रीक होता है राइट, वैसे ही मोराद जो है, मोराद वॉज कंसीडर्ड एज ए नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द सेम राइट, बिफोर द अंकल एंड बिफोर हिम अंकल खोसरो वॉज द क्रेजीएस्ट पर्सन ऑफ द सेम फैमिली. नाउ मैम ये जो वर्ड्स आप बोले हैं उसका मीनिंग क्या है, ऑब्वियसली कोई भी पूछेगा. सो यहाँ पे जो क्रेजी स्ट्रीक है, क्रेजी स्ट्रीक का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कभी भी कुछ भी कर सकता है राइट. और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने कहा नेचुरल डिसेंडेंट, नेचुरल डिसेंडेंट मतलब एक अंशवाद होता है, एक वंशवाद होता है, तो उस वंश में जो चीज़ें चलती हैं राइट, उस वंश की कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे फॉलो करने के लिए, तो उस जो गारो गलानियन ट्राइब था उसमें ये क्रेजीनेस किसी किसी में पाया जाता था. तो जो मोराद है, ही वॉज द नेचुरल डिसेंडेंट फॉर द ट्राइब फॉर क्रेजीनेस, और उसके पहले जो थे वो अंकल खोसरो थे. नाउ कमिंग टू अंकल खोसरो, उनके इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि अंकल खोसरो कौन थे. सो अंकल खोसरो जो थे, he was a tall handsome man you can say, but with a strong mind. He is a total furious person right, और दूसरी चीज़ he is furious in temper, मतलब short temper हम कह सकते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आने वाला होता है, बहुत irritating होते हैं, उसके बाद so impatient होते हैं, मतलब वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को लेकर के इरिटेटिंग हो जाते हैं, बहुत जल्दी कोई भी डिसीजन लेने में इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनके पास पेशेंस की कमी होती है. अब उनके फिज़िकल अपीयरेंस पे जाएं तो उनका फिज़िकल अपीयरेंस बताते हैं कि वो एक टॉल पर्सन थे, हैविंग विथ स्ट्रॉन्ग हेड, हैविंग ब्लैक हेयर्स ऑन हिज हेड राइट, और उनकी जो मूछें थी, हिज मसाज, इट इज़ फेमस एंड लार्जेस्ट इन द सैन जोकिन वैली. जो वैली थी सैन जोकिन वैली, वहाँ पर सबसे बड़ी मूछें उन्हीं की थी, और उनको शायद उन्हीं पर ताव भी था, और थोड़े से इरीटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग और क्रेजी काइंड ऑफ पर्सन वो थे राइट. तो दिस इज़ अबाउट अंकल खोसरोव की ये जो थे वो इस तरीके थे. अब ना उनकी बिहेवियर की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो वो इतने इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग थे, हमेशा नाराज़ हो जाते थे छोटी छोटी बातों पर, वो इस तरीके से थे. और उनका एक स्टेटमेंट था जो हमेशा वो ऐड करते थे और लोगों को, ही कैन स्टॉप द पीपल इन द मिडल ऑफ टॉकिंग बाय रोरिंग. क्या रोर करते थे, उनका एक स्टेटमेंट होता था हमेशा, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं. वो ऐसा बोलकर सभी लोगों को क्या करते थे, चुप करा दिया करते थे, और कहीं भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे. नाउ एक बार का सीन जो है, एक सीक्वेंस है, वो अरम शेयरिंग इन दिस स्टोरी, ही टोल्ड दैट हिज सन अरक, मीन्स अंकल खोसरो के जो बेटे हैं अरक राइट, He just came running, crossing 8 blocks, ठीक है, to him. कहाँ आए वो, 8 घरों को छोड़कर बार्बर की दुकान में, बार्बर की शॉप में. अंकल खुसरो क्या करा रहे थे, he was trimmed his mustache, वो अपनी मूँछों को सेट करा रहे थे राइट. एंड ही वॉज सो पैनिक, आरक वॉज सो पैनिक, वो बहुत परेशान था, एंड ही वॉन्ट्स टू टेल हिज फादर कि पापा कुछ हुआ है. सो ही वॉज सो पैनिक, उनको बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंगली, इरिटेटिंगली उन्होंने देखा, मिस्टर खोसरोव ने देखा, अंकल खोसरोव ने देखा अपने बेटे को, एंड जस्ट
उन्होंने एक साइन के रूप में पूछा अपने जो ब्रोज हैं उनको ऊपर करके कि व्हाट हैपेंड। आरक उनको बताते हैं कि हमारे घर में आग लग गई है, राइट, कि आवर हाउस वॉज ऑन फायर, बट एट दैट टाइम अंकल खोसरोव सेड लेट इट बी, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और इतना बोल करके ही स्टिल कंटिन्यूड विथ हिज ट्रिमिंग हिज मुसाज, वो अपने मुसाज को ट्रिमिंग करने में कंटिन्यू कर दिए। नाउ द बाबर्स वर सो पैनिक कि अरे बाप रे व्हाट इज गोइंग ऑन, देयर हाउस वाज ऑन फायर एंड दिस पर्सन इज गेटिंग ट्रिम्ड हिज मुसाज, ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। सो अगेन ही ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, ट्राई टू मेक अंकल खोसरो अंडरस्टैंड कि सर आपके घर में आग लग गई है। बाय लिसनिंग दिस स्टेटमेंट अंकल खोसरो गॉट एंग्री, राइट, ही गॉट सो फ्यूरियस एंड ही रोड, और वो जोर से चिल्लाए, जोर से गरजे, इट्स एनफ, कह दिया ना, बस हो गया, ऐसा उन्होंने कहा। और वन द स्टेटमेंट ही एडेड ऑन, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इन दिस वे क्या हुआ कि उन्होंने उनका घर जब जल रहा था तभी भी उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सो दिस वॉज द थिंग एंड दिस वॉज द फिजिकल अपीरियंस एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ अंकल खोसरो, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द स्टोरी, सो मोराद was the same craziest person just like him and was considered as the natural descendant to the family, और वो अपने family के natural descendant की तरह ही behave करते थे। So मोराद ऐसे क्यों थे, मोराद जो थे just uncle खोसरो वैसे थे, इसलिए उन्हीं की तरह के थे। I had told you earlier कि वो किनके बेटे थे, that he was the son of Zorab, right, and Zorab was a प्रैक्टिकल मैन, वो एक आम आदमी की तरह सोचते थे और आम निर्णय लिया करते थे, बट ही वॉज द क्रेजीएस्ट पर्सन जस्ट लाइक अंकल खोसरो, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे, सी समटाइम्स वॉट हैपन कि फ्लैश और ब्लड एक होने पर भी जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो एक नहीं हो पाती, बोथ सन एंड फादर आर टोटली अपोजिट टू ईच अदर, राइट, जहाँ फादर एक प्रैक्टिकल पर्सन है, एक समझदार पर्सन है, वेयर इन द सेम प्लेस द सन इज द क्रेजीएस्ट पर्सन, ही कैन डू एनीथिंग एनी टाइम, राइट, दिस काइंड ऑफ पर्सन, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो सोलफुली अपने फादर से थोड़ा डिफरेंट थे, वो अपने फैमिली के नेचुरल डिसेंडेंट थे, मतलब अपने ट्राइब के घारोघालियन ट्राइब के नेचुरल डिसेंडेंट थे, और उस कारण से बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली जो उनमें वो क्रेजीनेस आई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्राइब में वो थी, दैट्स वाई।